हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड टाइम फूड इशियस। आज मैं आपके लिए फ्रेज बीन की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसका बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है और खाने में भी इसका टेस्ट अलग होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है ये। तो चलिए देखते हैं इसका बनाने का तरीका। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम फ्रेज बीन ले ली है। तो पहले मैं इसके सिरे को कट कर लूँगी। सारी फ्रेश बीन के सिरों को हमको कट कर लेना है और फिर इसे अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है, धो लिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। इसे हमें बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में कट करना है, तो इस तरह से ये बहुत जल्दी से गल भी जाएंगी और बहुत ही अच्छी भी लगेंगी देखने में। तो ये देखिए, मैंने सारी फ्रेश बीन को इस तरीके से कट कर लिया है। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर पैन में मैंने 2 चम्मच तेल गरम कर लिया है और उसमें 1/2 छोटा चम्मच मैंने ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा तड़कने लगे तो हम इसमें मिर्ची ऐड करेंगे। मैंने 3 मिर्ची लिए हैं, उसे मैंने कट कर लिया है। और कुछ करी पत्ते डाल देंगे हम इसमें। और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 प्याज बारीक चॉप की हुई, और इसे हम चलाते रहेंगे। प्याज को हमें फ्राई करना है। प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। तो प्याज को हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाल नहीं करना है। अच्छे से स्टर करेंगे हम और फिर उसमें हम अपनी कटी हुई जो है फ्रेश बीन को डाल देंगे। और 1/2 चम्मच यहाँ पर नमक ऐड किया है मैंने। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इस पर ढक्कन रख देंगे और 10 मिनट के लिए इसे हमें लो फ्लेम पर पका लेना है कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और फ्रेश बीन सॉफ्ट हो चुकी है हमारी। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1/2 कप यहाँ पर मैंने कोकोनट लिया है, फ्रेश कोकोनट को। अगर आप चाहे तो इस तरह से बारीक वाले ग्रेटर में इसे ग्रेट कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, इसे पहले मैंने कोकोनट के स्लाइसेस कर लिए, फिर मैंने उसे मिक्सर में डाल दिया और बिना पानी डाले इसे हमें पल्स मोड पर ग्राइंड कर लेना है, ब्लेंड कर लेना है। तो इस तरह से हो जाएगा वो। तो अब हम इसे मैंने सब्जी में डाल दिया है और इसका ढक्कन हम ढक देंगे कि अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाए। यहाँ पर मैंने हरा धनिया भी काट कर डाल दिया है। तो इसे हम 5 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे कि अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाए नारियल का और हरे धनिए का। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी सब्जी और बहुत ही अलग टेस्ट आएगा। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर मैंने ढक्कन हटा दिया है। बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गई हमारी सब्जी और देखिए ये एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। तो इस तरह से आप सब्जी ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनती है। और जो लोग अगर सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं, फ्रेश बीन नहीं खाते हैं, इस तरह से बना कर दें, इंशाल्लाह वो भी ज़रूर खाएंगे। इसे आप चपाती से, पराठे से, पूरी से खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।